हेलो बंधुरा, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोरिंग माइल्स ब्लॉग। आज का वीडियो मैं करने जा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि ये वीडियो है पूरा इंडिया के लिए एंड ड्राइविंग इंथुजियास्ट के लिए। रिसेंटली हम गए थे अरुणाचल प्रदेश मार्च 13 को 2024। अरुणाचल में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है बुमला पास। वहाँ पे जो ड्राइविंग इंथुजियास्ट है सभी चाहते हैं खुद के गाड़ी को ड्राइव करके जाने के लिए, लेकिन वो है इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल करना है इसके बारे में है आज का टॉपिक। अरुणाचल घूमने के लिए लगता है इनरलाइन परमिट, वो भालुकपोंग के आगे बहुत जगह बनता है, 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लगता है। आप यूट्यूब छान मारेंगे आपको मिल जाएगा कैसे बनाना है। लेकिन बुमला पास का परमिट आपको खुद के गाड़ी ले जाने के लिए कैसे बनता है ये यूट्यूब पे कहीं नहीं है। हम जाने से पहले बहुत छान मारा, हमको तो नहीं मिला, तो हमको लगता है यूट्यूब में कहीं नहीं है। ये हमको मिला बहुत ही मुश्किल से। आप जब तवांग जाएंगे वहां पे होटल वालों का पूछेंगे हम बुमला जाना चाहते हैं, तो आपको वो बोलेगा यहाँ से आप टैक्सी ले लीजिए, वो टैक्सी वाला आपको परमिट बना के देगा, तो टैक्सी में आपको जाना पड़ेगा। टैक्सी के पूछेंगे वो यही बोलेगा, वहां का लोकल गाइड जो दुकान है वहां पे पूछेंगे वो भी यही बोलेगा। ये बहुत ही वहां का स्ट्रिक्ट रूल है कि वहां का टैक्सी लेके ही आपको बुमला पास जाना पड़ेगा। तो हमने भी वहां पे टैक्सी वालों को एंड वहां पर जो लोकल शॉप है वहां पर भी पूछा, वो भी यही बोला कि आपको यही के गाड़ी लेके ही जाना पड़ेगा। फिर हम डिसअपॉइंटेड हो गए। फिर हमारा जो होटल है हम जहाँ पे रुके थे होटल स्नोलैंड, वहां के ओनर से पूछा, वो भी यही बोला कि यहाँ का गाड़ी लेके ही जाना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्ट रूल है, ऊपर जाने नहीं देगा, वो टैक्सी यूनियन वाला बहुत हल्ला करेगा। फिर वो बोला आप ट्राई कर सकते हैं एक बार कि आपके खुद के गाड़ी ले जाने के लिए। उधर का जो टैक्सी है उसका रेंट है 5500 6 पर्सन के लिए, एक गाड़ी में 6 पर्सन जा सकते हैं, उसका रेंट है 5500 वो इंक्लूडिंग परमिट लेके। वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर को हमने यही भी बोला कि आप 5500 ले लो हमसे, लेकिन आप हमारे गाड़ी में चलो, हम कोलकाता से आए हैं खुद के गाड़ी लेके जाने के लिए। तो वो टैक्सी ड्राइवर नहीं माना, वो बोला वहां पे अलाउ नहीं करेगा आपका गाड़ी, बाहर का गाड़ी अलाउ नहीं करता, वहां का आर्मी एकदम भी अलाउ नहीं करता बाहर का गाड़ी। लेकिन ये सब झूठ है, आर्मी का कुछ फंक्शन ही नहीं है। आप कहाँ का गाड़ी लेके आ रहे हो, अरुणाचल का है या फिर उसका बाहर का है, कुछ फंक्शन नहीं है आर्मी का। आर्मी है सेंट्रल का, कोई स्टेट का आर्मी होता नहीं है वहां पे। तो ये वहां का आर्मी का कुछ फंक्शन नहीं है, आप कौन सा गाड़ी लेके आ रहे हो, आप पास लेके जाओ आर्मी के पास, वो अलाउ कर देगा। फिर हमारा जो होटल ओनर था होटल स्नोलैंड का, वो बोला आप एक बार डीसी ऑफिस जाके ट्राई कर सकते हो। होटल ओनर हमारा जान पहचान का था इसलिए वो हमको ये बता दिया। तो फिर हम गए डीसी ऑफिस, एकदम वो तवांग मार्केट से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आप भी वहां जा सकते हैं। तो हम गए डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर में लेफ्ट साइड में ये परमिट देने का ऑफिस है। वहां पर हम गया, एक लेडी था वहां पे बोला, वो बोला एकदम मैं मना कर दिया, बोला नहीं हो सकता वहां का गाड़ी एकदम भी अलाउ नहीं है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर बोला आप डीसी से एक बार परमिशन ले सकते हैं, डीसी से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने डीसी के पास गया, ये हम गए थे सुबह 11 बजे। फिर हमने डीसी के पास गए, डीसी को बहुत रिक्वेस्ट किया, डीसी हमको यही बोला कि यहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर है उनका स्ट्रिक्ट रूल है बाहर का गाड़ी अलाउ नहीं करने के लिए। वो डीसी बोला हम तो अलाउ कर देंगे, ये ऐसा कोई लॉ नहीं है कि बाहर का गाड़ी नहीं जा सकता बुमला में, हम तो अलाउ कर देंगे, लेकिन यहाँ का जो टैक्सी यूनियन है वो आके हमारे ऊपर हल्ला करेगा, इसलिए हम नहीं कर सकते, यही वहां का डीसी का कहना है। फिर हमने डीसी को बोला हम कोलकाता से आए हैं बहुत दूर से, हम खुद का गाड़ी लेके ही जाना चाहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डीसी हमको परमिशन दे दिया। फिर हमने वो नीचे ऑफिस में गए, वो लेडी बोला ठीक है आप 3 बजे के आओ, आपका गाड़ी का आरसी का 2 कॉपी जेरोक्स, गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उसका 2 कॉपी जेरोक्स, जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उसका लाइसेंस का 2 कॉपी जेरोक्स, और जो पर्सन जाएगा सबका ILP एंड आधार कार्ड का 2 कॉपी करके जेरोक्स करके 3 बजे आओ। फिर हम वापस जब 3 बजे गए सब कुछ लेके, खड़ा रहा बहुत देर, वो जो लोकल टैक्सी ड्राइवर है उनका परमिट करता रहा, हम आधे घंटे से ऊपर खड़ा रहा। फिर हमने जब दिया वो लेडी एकदम से कागज हमारे ऊपर फेंक के मारे, बोले नहीं हो सकता ये तो बाहर का गाड़ी है, नहीं हो सकता।
फिर बोला कि आप डीसी से लिखवा के लाओ। फिर हमने गया डीसी के पास, वो सर बहुत ही अच्छा था, एकदम पॉजिटिवली हम कहते हैं वो सर बहुत अच्छा था। एक बार में जाते ही वो सर हमको लिख के दिया परमिशन, फिर हम उन लेडी के पास आए, वो हमको परमिशन कर दिया परमिट के लिए। तो वो लेडी हमको परमिट के लिए लिख के दिया, वो परमिट लेके फिर जमा करना पड़ता है तवांग वॉर मेमोरियल में। फिर हम तवांग वॉर मेमोरियल में गए, वो जमा कर दिया, वो फिर सुबह लेना पड़ता है 6 बजे के बाद किसी भी टाइम। ये परमिट के लिए जितना भी जेरोक्स लगता है हम बोलेंगे पहले से आप लोग करवा के जाओ। वहां पे एक एक कॉपी का 10 रुपए कर लगता है जेरोक्स करने के लिए। वो डीसी ऑफिस के बाहर ही हो जाता है जेरोक्स, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक कॉपी का जेरोक्स लगता है 10 रुपए करके। तो दूसरा दिन हमने करीब 7 साढ़े 7 बजे वो कलेक्ट कर लिया। वो वॉर मेमोरियल में आर्मी ऑफिसर के पास जमा करना पड़ता है ये परमिट। आर्मी ऑफिसर वहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। पर हम दूसरे दिन 7 साढ़े 7 बजे करीब ले लिया परमिट। तो उसके बाद हम ऊपर जाने लगे, वहाँ का टैक्सी ड्राइवर जो देख रहा था हम बाहर का गाड़ी लेके जा रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्ब करता है। रास्ता नहीं है पास देने का, पीछे से हॉर्न मारने लगता है, इतना डिस्टर्ब करता है वहाँ का टैक्सी ड्राइवर। ये जो आपका परमिट है दो जगह चेक करता है बुमला जाने के रास्ते में, और जब आप लौटोगे एक जगह फिर आपका परमिट ले लेगा। तो ऐसे ही आपको मिलता है बुमला का परमिट, आपको खुद का गाड़ी से जाने के लिए डीसी ऑफिस से। आप आओ, एक दिन टाइम हाथ में रखो, ये परमिट कलेक्ट करने के लिए आपको एक दिन टाइम लग जाएगा। मतलब सुबह आपको जाना पड़ेगा, बात करके आना पड़ेगा, फिर 3 बजे आपको फिर जाना पड़ेगा वो परमिट के लिए, फिर आपको वो वॉर मेमोरियल में जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जिस दिन तवांग पहुंचोगे दूसरा दिन उस प्लानिंग रखो ये सब करने के लिए, और तीसरा दिन आपको जाना पड़ेगा बुमला। तो जब हम बुमला गए वहां का तो आर्मी ऑफिसर सब बहुत अच्छा था, लेकिन बुमला का ऑल्टीट्यूड है 15,200, तो वहां पे आप लोगों का थोड़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। तो सजेस्ट करेंगे ऑक्सीजन कैन लेके जाओ और कपूर ये साथ में लेके जाओ तो बढ़िया होगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा बुमला पास में, ऑल्टीट्यूड सिकनेस या फिर आपका सांस लेने में तकलीफ, वहां पर जो आर्मी कैंप है वहां पर सब कुछ है, ऑक्सीजन है सब कुछ है, वो आपका हेल्प कर देगा। वहां का आर्मी ऑफिसर बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये है हमारा, ये था हमारा परमिट, हम पहले फोटो खींच के रखे थे, ये तो जमा कर लेगा आप देख सकते हैं। तो हमने जैसे बताया, आप अगर ऐसे ट्राई करोगे आपको आप खुद के गाड़ी ले जाने के लिए परमिट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो थैंक यू, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस, क्लिक द बेल आइकन।